लोग ना मेरी सिस्टर को बहुत सारी विशेज देना अच्छी अच्छी, ताकि वो ना मतलब बड़े होके बहुत अच्छी बने। ऐसे हेलो कौन करता है ना, लगी स्वैग है सो दोनों माधी लेट गए। बोल क्या, विक्स की डिब्बी? हाँ मेरे उसमें भी थी, लाली की दवाइयों में, यहाँ नहीं है। वो लारी कविता लारी दिखे है। चाय 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 लो क्या? कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो अभी मम्मी जो है वो कर रही है सुबह के नाश्ते की तैयारी यहाँ पे, और मम्मी बनाने वाली है आज ब्रेड पकोड़ा, क्योंकि मांटू का भी थोड़ा सा मन कर रहा था, वो आज स्कूल नहीं गई थी तो उसका भी खाने का मन कर रहा था, और भाई जो है वो ड्यूटी जाते हैं, तो सुबह के नाश्ते में ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है, रोज़ रोज़ तो नहीं पर कभी कभार। और यहाँ पे जो है ब्रेड पकौड़ा, मम्मी ने ब्रेड को जो है वो चार उसमें काट लिया है, क्योंकि जब बेसन में करते हैं तो ये फिर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। इस तरीके से काट के और भर के बनाने में ये है कि बेसन भी रहेगा तो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे ये, और फिर जो ज़्यादा बड़े होते हैं उनमें वो तेल तेल सा बहुत हो जाता है। और यहाँ पे कर रही है मम्मी स्टफिंग तैयार उसकी, तो उसके लिए प्याज कट कर ली है, हरी मिर्च काट ली है, और आलू जो है वो बॉईल करके रखे हुए थे उनको भी छील लेंगे, और सारे ही जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो कट कर लिए हैं। और बस अभी बेसन का जो बैटर है वो बनेगा, और जो पिट्ठी है उसको जो है तड़का लगा लेंगे। और यहाँ पे जो है बेसन का बैटर तैयार कर रहे हैं, तो बेसन को अच्छे से पहले छान लिया, क्योंकि फिर जब बेसन का बैटर बनता है तो उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, तो उसको पहले चाहे कितना भी साफ़ हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ हो, पर उसको पहले छानना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं आती अगर छान के तब बनाते हैं तो। इसमें बेसन ले लिया है, और बेसन में थोड़ी सी हल्दी, मतलब अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें मसाले डाल सकते हैं, जिस तरीके के मसाले कोई भी खाता है उसी हिसाब से। तो बस ये ब्रेड पकौड़ा हमारा सुबह का नाश्ते का बन करके हो जाएगा तैयार। और अभी जो है कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डालेंगे तेल, और जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उतारेंगे इसमें हम ब्रेड पकौड़ा। और जो स्टफिंग आलू की जो बना के रखी हुई थी पिट्ठी, उसको जो है ब्रेड में बीच में रख के ऊपर से थोड़ी सी ब्रेड का टुकड़ा रख के, जो भी कट करके रखा हुआ है उसको बेसन में डिप करके, और बस अभी जो है फ्राई कर लेंगे। ये दो बार भी आप एक बार हल्का फ्राई कर लें तब उतार लें, और जब दोबारा खाने हो तो एकदम से उनको दोबारा से फ्राई कर लें। इससे जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये करारे बनते हैं,
और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो। और देखिए जैसे ज़्यादा बड़ा होता है ना तो उसमें बहुत ही ज़्यादा तेल तेल सा हो जाता है, और ये छोटे छोटे से बनते हैं तो ये ठीक रहते हैं। और मांटू जो है यहाँ पे पी रही है ड्रिंक, और इसको थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी तो पापा ने इसको ला के दी है ये, और थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जिस वजह से इसको पेट में भी दर्द हो रहा था। फ्रेंड्स आज मेरी छोटी सिस्टर का फर्स्ट बर्थडे है क्योंकि वो आज एक महीने की हो जाएगी, और आज हम बड़ी सी पार्टी करेंगे। तो आप लोग ना मेरी सिस्टर को बहुत सारी विशेज देना अच्छी अच्छी ताकि वो ना मतलब बड़ों के बहुत अच्छी बने। तो हर महीने हम इसका बर्थडे मनाया करेंगे। इस टाइम तो अभी हम कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि मम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। सो जब भी जैसे अगले अगले बर्थडे आया करेंगे ना तो उसमें हम बाहर जाया करेंगे इसका बर्थडे बनाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? पाखी फैमिली ब्लॉग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये रही पाखी। पाखू हेलो। ऐसा हेलो कौन करता है? पाखी करती है। ऐसा कहना था ना कि पाखी करती है। चल मैं अब क्या कहूँगी है, ऐसे हेलो कौन करता है? कौन? पाखी करती है। पाखी करती है। और ये रही पाखी छोटी बहन। ये इनका मैडम का अपना अलग ही स्वैग है, सोई मोई कर रही है। कुछु कुछु पूरी आराम की नींद सो रही है। टेढ़े मेढ़े होके हमने दोनों माधी लेट गए। क्या देख रहा बेटा? हमारे घर में लेडीज ज्यादा है। मैं, मेरी बड़ी पुत्री, मेरी छोटी पुत्री, मेरी मम्मी, मेरी भाभी और हमारी गुन्नू। मम्मी, अरे मम्मी, हमारे घर में लेडीज डिपार्टमेंट ज़्यादा है ना। लक्ष्मी सरस्वती सबका वास है हमारे घर में। आज मौसम अच्छा हो रहा है, मतलब आज हवा बारिश सब थे जिसने के मौसम का रुख बदल दिया। मम्मी उतार रही हमारी कपड़े बाहर, अब बनाएगी फिर मेरी मम्मी चाय। भाभी सो रही है। भाभी तो उठ जाओगी जब चाय बनाओगी। आप भी आराम कर। जिस तरह मेरी मम्मी के बाल सफेद है ना, देखो मैं अपनी मम्मी पे गई हूँ बिल्कुल। देख लो मम्मी, देखो ये घंटा ही बात नहीं आ रहा। मम्मी देख लो, तुम पे गई नहीं गई मैं थाई तो रे बाल हो रहे मेरे भी सफ़ेद। इसी तरह मेरी नानी के बाल सफ़ेद हो गए हैं आगे आगे सब। पूरे बाल मेरी मम्मी के पीछे के काले हैं, बस ये फ्रंट वाइट है। मेरी मम्मी ने एक दिन यो घंटा साफ करा, यो बजे नहीं था, उस दिन से बजने लगा। मम्मी ने इसकी जम के सफाई करी। और ये रहे हमारे गोपाल जी, जिसे हमारी गुन्नू करा है ना, राधे 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 राधे। अगर सुन गया ना तो अभी उठ जाएगी। अब तेरा ही जी का रो रहा गया। वो और उसकी मम्मी इस वाले रूम में लेटे हैं पंखा चला के। पापा जा रहे हैं मार्केट सामान लेने के लिए, और शाम से होएगी तैयारी, भी चाय पानी पी के लगेंगे। हमने सोचा तब तक जो है हम आप लोगों से बातचीत करके। मम्मी क्या कर रही थी? मेरे कपड़े हाँगे तेंगे क्यों कह रही थी? वहाँ पे गिर दो साइकिल पर, तो नाली में कूद जाएंगे। गिर कूद देना नलके पे, गिर हत्ती पे भी आ जाएंगे एक दो कपड़े। इन्हें दो चार बूंद आ गई थी जब ये सारे उतार के गिरे थे। हाँ मम्मी सारे गिल्ले सही करा। क्या बात है, बोली भी नहीं फिर। गुन्नू कहाँ गए भाई?
थे तो आ गए भाई, खेत में आ गए। चलो यह है हमारे खेत। आ गया काले काले भाई गाओ क्या से मत कुछ और कौन यहाँ बैठ जा बैठ जा बैठ जा यार कहा बैठ गई साइकिल पर चला ले चला चला मंटू का मंटू ले मंटू ए ए ए ला मुझे जो मंटू अरे सुन ले मैं लस्सी पी ले एक घूंट मार ले अब मुझ मणि की बात यो गाइस हाउ यो क्या हो? और अभी जो है गुन्नू और मांटू गए थे खेत में और पापा यहाँ पे खेत का काम कर रहे थे। और इसी के साथ में वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। कल आपको देखने को मिलेगा हमारी अनाया का फर्स्ट मंथ का बर्थडे सेलिब्रेशन। जैसा भी हम करेंगे आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। आगे भी आने वाले व्लॉग आप लोगों को पसंद आएंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी